नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो कोर्ट मैरिज करने का क्या लीगल प्रोसीजर है, कोर्ट मैरिज करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्या लड़कियों की एज 18 को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, या फिर कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कितने विटनेस लगेंगे, या फिर आप एक हिंदू कपल हो, मुस्लिम कपल हो, क्रिश्चियन कपल हो तो आप शादी कैसे कर सकते हो, या फिर इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज कैसे कर सकते हो। तो चलिए आज मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीगल एज की, कि लड़की की एज कितनी होनी चाहिए, लड़की की एज कितनी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को एक गलत फहमी है कि लड़की की एज 18 को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। जी हाँ, इस बात पे पार्लियामेंट पे चर्चा चल रही है कि लड़कियों की एज 18 को बढ़ाकर 21 कर दिया जाए, मगर अभी कोई अपडेट नहीं है। तो फिलहाल जो लीगल एज है, तो लड़के की एज 21 साल होनी चाहिए कम से कम उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अगर आपकी ये एज पूरी है तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो। और अगर कोई लड़की की एज को लेके अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, कि कोर्ट मैरिज करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मेनली आपके 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है। और दूसरा है आपका एज प्रूफ। एज प्रूफ के तौर पर आप इन 4 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपका पासपोर्ट हो। आप इन 4 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट एज प्रूफ के तौर पर दे सकते हो। तीसरा प्रूफ है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के तौर पर आप इन 3 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, चाहे आप पैन कार्ड दे सकते हैं, चाहे वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, या फिर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अपने ऑफिस की भी आईडी दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप आईडी प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। और लड़का और लड़की के दोनों के 4-4 पासपोर्ट साइज फोटो भी होने चाहिए। ये सब हो गए डॉक्यूमेंट। कोर्ट मैरिज करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। और अब मैं बात कर लेता हूँ विटनेस की, कि कोर्ट मैरिज करने के लिए आपके कितने विटनेस लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये भी अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। कहीं आपको 2 विटनेस चाहिए होते हैं, तो कहीं आपको 3 विटनेस चाहिए होते हैं। वो 2 विटनेस आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर आपको कोर्ट के अंदर भी विटनेस आसानी से मिल जाते हैं। तो विटनेस के भी फोटोग्राफ्स और आईडी प्रूफ लगेंगे, और ये विटनेस लड़का या लड़की किसी की तरफ के हो सकते हैं। टोटल आपको 2 या 3 विटनेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक हिंदू कपल हो, मुस्लिम कपल हो, या फिर आप एक क्रिश्चियन कपल हो, या फिर आप 2 अलग अलग धर्मों से हो, तो आप कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, शादी 2 तरीके से होती है। एक तरफ है आपका हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, और दूसरी तरफ है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्या होते हैं। इसमें यह होता है कि आपके रिचुअल्स के हिसाब से, यानी कि आपकी धार्मिक क्रिया के, धार्मिक परंपराओं के हिसाब से आपकी शादी कराई जाती है। जैसे कि आप एक हिंदू कपल है तो पहले आपकी शादी आर्य समाज में कराई जाएगी। अगर आप एक मुस्लिम कपल है तो मौलवी के द्वारा आपका निकाह पढ़वाया जाएगा, और अगर आप एक क्रिश्चियन कपल है तो फादर के द्वारा आपकी रिंग सेरेमनी करा के आपकी शादी कराई जाएगी। और फिर उसके बाद आपकी शादी को कोर्ट के अंदर रजिस्टर कराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप एक हिंदू कपल और आपने आर्य समाज में शादी करी है, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट और आपकी शादी के फोटोग्राफ्स कोर्ट में लगाए जाएंगे और कोर्ट में आपकी शादी को रजिस्टर कराया जाएगा। सेम आपका ये प्रोसेस मुस्लिम मैरिज एक्ट में और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने जिस दिन शादी करी है उसके अगले दिन आप अपनी शादी को कोर्ट के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं दिल्ली और मुंबई में। मगर आप गाजियाबाद से, और गाजियाबाद से कोर्ट मैरिज करते हैं, तो आप उसी दिन अपनी शादी को कोर्ट के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आप गाजियाबाद से शादी करोगे तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट ऐसा मिलेगा, दिल्ली से ऐसा मिलेगा, पुणे से ऐसा मिलेगा, बिहार से ऐसा मिलेगा, और आप ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। और हर स्टेट की वेबसाइट अलग होती है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की। इसमें ये होता है कि आपके रिचुअल्स के, यानी कि आपकी धार्मिक क्रिया के हिसाब से आपकी शादी नहीं कराई जाती, और अगर 2 धर्मों के लोग इसमें शादी करना चाहते तो वो शादी कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक हिंदू है और एक मुस्लिम है और वो आपस में शादी करना चाहते हैं, तो वो 2 तरीके से शादी कर सकते हैं। पहला, वो अपना धर्म परिवर्तन करके शादी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदू मैरिज एक्ट में, मुस्लिम मैरिज एक्ट में और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में। मगर ये सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हर स्टेट का धर्म परिवर्तन करने का कानून अलग अलग होता है, तो वो एक सही तरीका नहीं होता कोर्ट मैरिज करने का। दूसरा है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें रिचुअल्स के हिसाब से, यानी कि धार्मिक क्रिया के हिसाब से आपकी शादी नहीं कराई जाती। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स तो आपके वही लगेंगे जो मैंने आपको बताया। इसमें आपको कोर्ट के अंदर अप्लाई करना पड़ता है, और उसमें आपको मिनिमम 30 दिन का
मैक्सिमम 45 दिन का टाइम लगता है, यानी कि 30 से 45 दिन का टाइम लगता है। जब आप कोर्ट के अंदर शादी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा और उन 30 दिनों में आपके घर पे भी नोटिस भेजा जाएगा और कोर्ट के बाहर भी नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगेगा। और वो नोटिस इसलिए होता है कि अगर आपने पहले से शादी कर रखी है तो वो सामने आ जाए। और जब आपका 30 दिन का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपके विटनेस को बुलाया जाएगा, आप दोनों के सिग्नेचर होएंगे, आपके विटनेस के सिग्नेचर होएंगे और आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी और आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम मैरिज एक्ट या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी करते हो तो मैं आपको बता दूं इन सभी के सर्टिफिकेट सेम होते हैं। तो ये होता है आपका कोर्ट मैरिज करने का पूरा लीगल प्रोसीजर। तो मैंने आपको कोर्ट मैरिज करने का पूरा लीगल प्रोसीजर बता दिया है और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।